मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों एवं आउटसोर्सेस कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित जवाहर मार्ग नागदा स्थित विद्युत मंडल के ऑफिस के समीप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरना दे रहे हैं। उक्त आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेस नेता बसंत मालपानी एवं चेतन यादव ने अपने साथियों के साथ सोमवार को धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन कर्मचारियों से चर्चा कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बताए यादव जी, किस लिए बैठे हैं आप यहाँ पर? ये आउटसोर्स के कर्मचारी और मेरे सभी साथीगण आज यहाँ पे जो 2-3 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। आज इन्होंने एक ज्ञापन मुझे दिया है माननीय कमलनाथ जी से, मैं बात करके और इसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों के साथ, पूरे कर्मचारियों के साथ, पूरी कांग्रेस इनके साथ तन मन धन से साथ में है। इनको जहाँ भी जैसी भी कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, हम सभी साथी लोग इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। इनको अगर हमारी ज़रूरत भी पड़ेगी कि हमें भी इनके साथ भूख हड़ताल, चक्का जाम, आमरण अनशन करना पड़े, तो हम सब भी इन हमारे साथियों के साथ हैं, पर इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। नागदा खाचोद विधानसभा में कल माननीय दिलीप सिंह जी गुज्जर विधायक मोदी जी को भी ज्ञापन दिया गया, इसी कड़ी में चेतन जी यादव जी को और सबको, हम जो भी हमारे मंच पे आ रहा है उनको हमारे समर्थन और हमारी मांगों को लेकर बताने के लिए सरकार तक बात पहुंचे किसी के भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो उसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। तकरीबन कितनी मांगे हैं आपकी? हमारी दो प्रमुख मांगे हैं, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण, आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों का सिविलियन, और इसमें एक और मांग जोड़ रखी है, वेतन वृद्धि जो 2014 के बाद में हर 5 साल में होनी चाहिए, जो अभी तक हुई नहीं है, लगभग 8 से 9 साल हो गए। ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, इसके अलावा भी और कोई प्रदर्शन किया जाएगा क्या? अगर ये हम 2 दिन तक हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल का सोचा है, उसके बाद हमारी 4 बजे मीटिंग है जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी सभी जिला अध्यक्ष साथ में मौजूद रहेंगे, और ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जो भी प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा निर्णय लिया जाता है, या तो जहाँ तक हमारा चल रहा है कि हर जिले से 10 व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो यह संख्या 50 करके और भोपाल में फिर भूख हड़ताल की ओर अग्रसर हो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई कुछ बातचीत हुई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी प्रतिनिधि मंडल से जहाँ चर्चा चली थी सुबह 9 बजे के फोन के माध्यम से, कि आपकी हम मीटिंग बुला रहे हैं 2 बजे प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रबंधक की, तो उसका सिर्फ आश्वासन मिला था कि हम बुला रहे हैं, आप इसको थोड़ा विड्रॉ कीजिए, पर हम कभी अब इस आश्वासन पे नहीं रहेंगे जब तक हमको इस ऊर्जा सचिव और मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर हमारी मांगे पूरी ना हो जाती। और ये एक मैसेज देना चाहूँगा मैं सभी उपभोक्ता, जो लोग या ग्रामीण क्षेत्र के आप, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि इन्हीं बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा जो नियमित कर्मचारी कार्यकर्ता वो काम करते हैं, मर जाते हैं, वो आप में से ही किसी का बच्चा, बेटा या भाई, सगा संबंधी होगा, आपको पता है उसकी स्थिति क्या होती है। सरकार सिर्फ 4 लाख मरने पर दे के और भूल जाती है। सीधी सी बात कहूँगा, पहले भी बहुत सारी दुर्घटना हुई है, पर इन दुर्घटनाओं में सिर्फ यही हुआ है, आश्वासन बड़े बड़े मिले हैं पर सिर्फ 4 लाख दे के और इंसान की जिंदगी का सौदा कर दिया जाता है, तो ये सौदा अब नहीं चलेगा। कम से कम जो ठेकेदारी प्रथा अन्यायपूर्ण शोषण रही थे, उसमें हर ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है कि उस वर्ग से व्यक्ति नहीं होगा, तो प्लीज़ मेरा सरकार से निवेदन है और प्रशासन से भी निवेदन है कि इस शोषण रूपी प्रथा को समाप्त करें में हमारा सहयोग प्रदान करें, और इसे समाप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों से आप भी मैसेज पहुँचाएं।